हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7 इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक फ्लेम्स इन द फॉरेस्ट बाय रस्किन बॉन्ड। और बच्चों, मैं अपनी पहले एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट ए। मार्क द सेंटेंसेज एज ट्रू एंड फॉल्स। सो नंबर वन इज इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल वीक्स। तो ये फॉल्स है क्योंकि बारिश तो हो ही नहीं रही थी। इट वॉज मिडल ऑफ मे और बहुत सूखा पड़ा हुआ था। नंबर टू, द फर्स्ट एनिमल दैट रोमी सो वॉज अ हेयर। येस, दिस इज ट्रू। उसने पहला एनिमल हेयर ही देखा था। नंबर थ्री, रोमी वॉज ओल्डर देन तेजू। येस, ट्रू, क्योंकि तेजू छोटा था। देयर वर फ्यू एनिमल्स इन द जंगल। फॉल्स, नो, वहाँ पर जंगल में बहुत सारे एनिमल्स थे। नंबर फाइव इज रोमी एंड तेजू नेवर फेल्ट स्केयर्ड। दिस इज फॉल्स, क्योंकि एक बार दोनों ही डर गए थे। नंबर सिक्स, द एलिफेंट इन द मिडल ऑफ द रोड वॉन्टेड टू अटैक द बॉयज। दिस इज फॉल्स, नो, एलिफेंट उनको अटैक नहीं करना चाहता था। नंबर सेवन, रोमी एंड तेजू हैड टू गो थ्रू द रिवर बिकॉज द ब्रिज हैड कॉट फायर। येस, दिस इज ट्रू, क्योंकि वो नदी के पार जाना नदी में जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जो ब्रिज में आग लग गई थी इसलिए वो उसके ऊपर नहीं जा पाए थे। नंबर एट इज़ द टू बॉयज़ हैडन्ट नोन ईच अदर वेरी वेल बिफोर। येस, दिस इज़ ट्रू, वो एक दूसरे को इतना अच्छे से नहीं जानते थे। दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट ए। नाउ वी विल मूव टू पार्ट बी। नाउ पार्ट बी, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर वन, वेयर वॉज रोमी वेन द फॉरेस्ट फायर स्टार्टेड। रोमी उस वक्त कहाँ था जब आग लगना फॉरेस्ट में स्टार्ट हुई थी। द आंसर इज रोमी वॉज इन प्रेम्स विलेज हु वॉज हिज फ्रेंड। द विलेज वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जो रोमी था वो अपने दोस्त प्रेम के घर में था, वो जो गाँव था वो जंगल के इस पार था। नंबर टू क्वेश्चन, हाउ फार वॉज रोमीज विलेज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस। रोमी का जो गांव था वो उसके दोस्त के घर से कितना दूर था। आंसर इज रोमीज विलेज वॉज 7 miles अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस। वो 7 miles की दूरी पर उसके घर था। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट मेड रोमी फॉल ऑफ हिज बाइसिकल। किस कारण से रोमी जो है अपनी बाइसिकल से गिर गया। आंसर है सडनली From the side of the road, अचानक से रोड की साइड से several pheasants rose in the air। कुछ जो pheasants थे वो हवा में उड़कर आ गए। Pheasants होता है बच्चों long tailed birds that spend a lot of time on the ground। ऐसे पक्षी जिनकी लंबी पूंछ होती है और वो बहुत समय धरती पर बिताते हैं। तो अचानक से उनका जो ग्रुप था काफ़ी सारे जो थे वो हवा में उड़ गए थे। एंड विद अ whoosh फ्लू लो अक्रॉस द पाथ। और एक वोश के साथ वो सारे थोड़ा सा उड़े थे, जिससे कि जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑन कमिंग बाइसिकल। और वो उसकी बाइसिकल के आगे से उड़ कर आए थे। टेकन बाय सरप्राइज, एकदम हैरान होने की वजह से रोमी फॉल ऑफ फ्रॉम हिज बाइसिकल। तो रोमी बहुत हैरान हो गए, अचानक से वो पक्षी उड़कर उसकी साइकिल के आगे आ गए थे, तो वो साइकिल से गिर गया। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, हु डिड रोमी मीट इन द फॉरेस्ट। रोमी जंगल में किससे मिला। आंसर इज रोमी मीट तेजू इन द फॉरेस्ट। रोमी जो है तेजू से जंगल में मिला। तेजू वॉज ओनली 8 or 9। तेजू 8 या 9 वर्ष का एक लड़का था। अ कपल ऑफ ईयर्स यंगर देन रोमी। रोमी से कुछ ही साल छोटा था। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई डिड रोमी टेल तेजू टू बीट द मिल्क कैंस। तो रोमी ने तेजू को क्यों कहा कि मिल्क कैंस जो थी उसको बीट करना है आपस में। आंसर इज रोमी टेल तेजू टू बीट द मिल्क कैंस सो दैट द एनिमल्स केम टू नो दैट दे आर कमिंग। अब वो जो आवाज़ करने के लिए उन्होंने कैंस को बीट करने के लिए इसलिए बोला तेजू को कि तुम इसको कैन को तेज तेज आवाज़ करो, ताकि जो आगे आने वाले एनिमल्स हैं वो सतर्क हो जाएं और वो उनकी साइकिल को जाने के लिए रास्ता दे दें। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, Where did रोमी एंड तेजू want to reach? रोमी और तेजू कहाँ पहुँचना चाहते थे। आंसर इज रोमी एंड तेजू want to reach to the small wooden bridge over the little river।
सेपरेटिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम द शुगर केन फील्ड्स, जो गन्ने के खेत थे और जंगल था उनको अलग करते हुए एक छोटी सी नदी थी और उसके ऊपर स्मॉल एक वुडन एक लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था। रोमी और तेजू वहाँ पर पहुँचना चाहते थे। वंस क्रॉस द रिवर दे वुड बी सेफ, अगर वो एक बार अगर नदी पार कर लेंगे तो वो सेफ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वट वॉज द एलिफेंट डूइंग इन द मिडल ऑफ द रोड। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि एलिफेंट जो है वो रोड के बीच में क्या कर रहा था। आंसर इज द एलिफेंट वॉज अबाउट 40 feet अवे। जो एलिफेंट था हाथी वो रोमी से 40 feet की दूरी पर था। इट मूव्ड अबाउट रेस्टलेसली, ये एकदम लापरवाह होकर मूव हो रहा था, भाग रहा था इधर से उधर। इट्स बिग ईयर्स फ्लैपिंग एज इट टर्न इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड। अब वो सिर हिला रहा था तो उसके जो बड़े बड़े कान थे वो भी फ्लैप हो रहे थे। वंडरिंग विच वे टू गो, और उसको समझ नहीं आ रहा था हाथी को किस तरफ उसे जाना है। फ्रॉम फार टू द लेफ्ट अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मूव टूवर्ड्स द रिवर, और बहुत दूर से जो लेफ्ट की तरफ से एक झुंड था हाथियों का वो नदी की तरफ जा रहा था। द लीडर ऑफ द हर्ड, और जो उस झुंड का जो लीडर था, रेज्ड हिज ट्रंक एंड प्रॉम्प्टेड अ कॉल, और उसने एक सूंड उठाकर एक तेज आवाज़ निकाली। हियरिंग इट, और ये सुनने के बाद एलिफेंट ऑन द रोड रेज्ड इट्स ओन ट्रंक, अब उस एलिफेंट ने भी उसका एक रिप्लाई दिया और अपने सूंड को उठाया एंड प्रॉम्प्टेड अ रिप्लाई, और एक जवाब दिया। इट शैम्बल्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द हर्ड, फिर वो हाथी जो है उस झुंड की दिशा में चला गया, जंगल में चला गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। अभी पार्ट बी में आगे क्वेश्चन नंबर 8 भी है। यस, व्हाट डिड द टू बॉयज सी व्हेन दे रीच द ब्रिज, दो लड़कों ने क्या देखा जब वो ब्रिज पर पहुँच गए। आंसर है व्हेन टू बॉयज रोमी एंड तेजू रीच द ब्रिज दे सॉ दैट द विलेज वॉज ऑन फायर। उन्होंने क्या देखा कि जो ब्रिज है, सॉरी विलेज नहीं ब्रिज, तो ब्रिज है वो उस पर भी आग लग चुकी थी। बर्निंग एम्बर्स, एम्बर्स होता है बच्चों कोयला जैसे जलते हुए। हैड फ्लोटेड डाउन टू द स्मॉल वुडन ब्रिज, अब उसे अंगारे जो गिर रहे थे स्मॉल वुडन ब्रिज से। एंड द एंशियंट टिम्बर हैड क्विकली कॉट फायर, और बहुत पुराना लकड़ी थी उसमें ब्रिज पर तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ ली थी उसने। इट वॉज नाउ बर्निंग फायरसली, और ये बहुत भीषण आग उसमें लगी थी। Clear up to here? Now question number 9. What happened when they reached the middle of the river? Describe. अब बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुँच गए तो वहाँ का दृश्य आपको डिस्क्राइब करना है। आंसर है द रिवर वॉज क्वाइट स्विफ्ट इन द मिडल, जो नदी थी वो बीच में बहुत ही तेज बहाव था उसमें, बहुत स्पीड पर थी। बट हैविंग गॉट सेफली आउट ऑफ द बर्निंग फॉरेस्ट, लेकिन इतने भीषण जंगल की आग से बाहर निकलने के बाद रोमी वॉज इन नो मूड टू लेट अ रिवर डिफीट हिम, वो इस मूड में नहीं था कि वहाँ आकर इतने बड़े खतरे से तो वो बाहर आ गया लेकिन एक छोटी सी नदी से वो हार जाए। ही किक्ड ऑफ हिज शूज, उसने अपने जूतों को उतारा नोइंग दे वुड बी लॉस्ट, ये जानते हुए भी कि एक बार उसने अगर जूते उतार दिए तो ये खो जाएंगे। ग्रिपिंग द स्मूथ स्टोन्स ऑफ द रिवर बेड विद इट्स टोज, फिर उसने अपने पैरों के अंगूठे से जो ग्रिप बना ली जो रिवर बेड यानी कि जो नदी के तली में जो पत्थर थे स्मूथ स्टोन से उन पर अपने पैरों से ग्रिप बनाई। ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कीपिंग हिज बैलेंस, और उसने बहुत ध्यान रखा कि उसे अपने बॉडी का बैलेंस बनाए रखना है। एंड गेटिंग द बाइसिकल थ्रू, और उसे बाइसिकल भी बाहर निकालनी है और साथ साथ में तेजू को भी बाहर निकालना था। द वाटर केम अप टू हिज वेस्ट, और वो उसका जो पानी का लेवल था वो उसकी वेस्ट कमर तक आ चुका था। एंड द करंट वुड हैव बीन टू स्ट्रॉन्ग फॉर तेजू टू क्रॉस बाय हिमसेल्फ, और तेजू के लिए भी बहुत ये करंट बहुत बहाव जो था नदी का वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर? नाउ पार्ट बी इज ओवर हियर एंड वी विल मूव टू पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो देयर आर 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, They hadn't known each other very well before. वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। But now they felt they had been friends 4 years. लेकिन अभी उन्हें लगता है कि वो बहुत सालों से दोस्त हैं। What do you think? Made Romy and Teju bond? आपको क्या लगता है उनका जो ये bond बना
वो उसका क्या कारण है, वाई डिड दे फील दे वर फ्रेंड्स फॉर ईयर्स, और उनको ऐसा क्यों लगा कि वो बहुत सालों से दोस्त हैं। सो आंसर इज़ दो रोमी एंड तेजू हैडन्ट नोन ईच अदर वेरी वेल बिफोर, हालांकि रोमी और तेजू जो हैं एक दूसरे को बहुत टाइम से नहीं जानते थे, बट नाउ दे फेल्ट दे हैड बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स, लेकिन अभी उन्हें लगता है, उन्हें महसूस होता है कि वो बहुत सालों से दोस्त हैं। द सिचुएशन व्हेन दे मेट वॉज हॉरिबल, दे बोथ वर ट्राइंग टू सेव देयर लाइफ टू गेट आउट ऑफ द बर्निंग फॉरेस्ट। जैसे कि बच्चों आपको याद है उस कहानी में क्या था कि जो सिचुएशन थी जब वो दोनों मिले थे, जब रोमी बाइसिकल पे जा रहा था और अचानक से उसे तेजू मिल गया, तो वो जो सिचुएशन थी जब वो मिले थे वो बहुत ही हॉरिबल थी दोनों के लिए। वो दोनों ही अपनी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की आग से बाहर निकलना चाहते थे। इन नीड ऑफ द आर दे बोथ हेल्प ईच अदर, और ऐसे संकट के समय में दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की। द फॉरेस्ट फायर मेड देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और उनका एक जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ वो इसी जंगल की आग की वजह से हुआ। वेन दे वर स्प्लैश्ड इन द रिवर, और जब वो नदी में गिर गए, दे सेव्ड ईच अदर एंड ऑल्सो गेट द बाइसिकल आउट ऑफ द रिवर, और दोनों ने ही मिलकर ऐसे कठिन समय में अपने आप को रिवर से भी बचाया और अपनी बाइसिकल को भी नदी से बाहर निकाला। तो उन दोनों की जो बॉन्डिंग थी, एक केमिस्ट्री थी दोनों की, वो बहुत ही अच्छी थी एक दूसरे के जीवन को बचाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, द रिवर वॉज क्वाइट स्विफ्ट इन द मिडल, जो रिवर थी वो बहुत ही स्विफ्ट थी मिडल में, यानी कि बहुत उसकी स्पीड थी। बट हैविंग गॉट सेफली आउट ऑफ द बर्निंग फॉरेस्ट, रोमी वॉज इन नो मूड टू लेट अ रिवर डिफीट हिम। वट डज दिस टेल अस अबाउट रोमी। तो बच्चों अभी पहले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा इसका पार्ट हमने डिस्कस किया था। रोमी जो था वो जंगल की आग से बाहर निकल गया था, लेकिन वो एक छोटी सी नदी से हारना नहीं चाहता था। तो इस सिचुएशन से हमें क्या पता चलता है रोमी के बारे में? नाउ आंसर इज रोमी ब्रेवली फेस द फायर ऑफ द फॉरेस्ट एंड सेव तेजू एंड हिमसेल्फ। रोमी ने बहुत ही बहादुरी से जंगल की आग का सामना किया और अपने आप को और तेजू को आग से बचाया। ही वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग आउट ऑफ द बर्निंग फॉरेस्ट, वो दोनों ही कामयाब हो गए जंगल की आग से बचकर बाहर निकलने में। बट वेन दे स्टक इन द मिडल ऑफ द रिवर, लेकिन जब वो नदी के बीचों बीच फंस गए उस मझधार में जहाँ की बहुत तेज बहाव था, द फ्लो वॉज एट स्पीड, वो बहुत तेज बहाव में वहाँ पर फंस गए थे। रोमी वॉज इन नो मूड टू लेट अ लिटिल रिवर डिफीट हिम, रोमी इस मूड में नहीं था कि एक छोटी सी नदी उसे हरा दे। इट मीन्स हियर दैट आफ्टर फेसिंग ड्रेडफुल एंड हॉरिबल फॉरेस्ट फायर, इसका मतलब ये हुआ कि जो भयानक और मौत से भरी हुई, मतलब एक जो आग का सामना जो रोमी ने किया, फॉरेस्ट फायर, अ स्मॉल स्ट्रीम कांट ड्राउन बोथ ऑफ देम, अब एक छोटी सी नदी उन दोनों को डुबा नहीं सकती थी। दिस टेल अस, अब हमें ये जो घटना है ये बात हमें ये बताती है, दैट रोमी He was very brave and never lost hope in any situation. रोमी जो है बहुत ही बहादुर लड़का था और वो किसी भी सिचुएशन में अपनी उम्मीद को नहीं हारता था, हमें इस सिचुएशन से ये पता चलता है। ठीक है बच्चों, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट स्ट्रॉन्ग वर्च्यूज और क्वालिटीज डिड रोमी एग्जिबिट, रोमी में कौन कौन सी खासियत थी, क्या क्या क्वालिटीज़ थी, स्टेट एनी टू गिविंग इंस्टांसेस फ्रॉम स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। तो आपको इस कहानी से कोई ऐसे दो इंस्टांसेस बताने हैं। नाउ आंसर इज रोमी वॉज वेरी हेल्पफुल इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस कहानी से पता चलता है कि रोमी जो था वो बहुत ही हेल्पफुल था नेचर में, उनका स्वभाव में बहुत ही दयालु भी था, एंड ही वॉज वेरी काइंड एज ही सॉ तेजू स्टक इन द फॉरेस्ट फायर, जैसा कि जब उन्होंने देखा कि तेजू जो है जंगल की आग में फंसा हुआ है, एंड ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट, और वो कोशिश कर रहा है इस जंगल की आग से बाहर भागने के लिए। रोमी आस्क्ड हिम टू गेट ऑन क्रॉस बार्स, रोमी ने उसे कहा कि साइकिल के क्रॉस बार्स पर बैठ जाए ऑफ द बाइसिकल, एंड ही सेव्ड हिज लाइफ एज वेल, और उसने तेजू की भी जान बचाई। तो इस इंस्टेंस से हमें पता चलता है कि रोमी वॉज वेरी हेल्पफुल। ठीक है बच्चों, नाउ सेकेंड इंस्टेंस क्या थी, रोमी वॉज केयरिंग इन नेचर, रोमी जो था वो उसके स्वभाव में केयर थी। हिज फादर वॉज नॉट कीपिंग वेल, उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, सो ही वेंट टू द डॉक्टर नेक्स्ट विलेज टू ब्रिंग द मेडिसिन फॉर हिज फादर, अब वो दूसरे गाँव में अपने पिताजी की दवाई लेने के लिए गए थे,
और अपने जो प्रेम उनका जो दोस्त था उसके गांव में. एंड आफ्टर इंसिस्टिंग बाय हिज फ्रेंड प्रेम, लेकिन जैसे जैसे वो हालात वहाँ पर ख़राब हो रहे थे, जैसे आंधी तूफान चलने लगा था, तो उसके प्रेम जो उसका दोस्त था उसने काफ़ी इंसिस्ट किया उसने अपने घर पर रोकने के लिए, टू स्टे एट हिज होम. बट ही रिफ्यूज्ड बाय सेइंग, लेकिन रोमी ने मना कर दिया ये कहकर दैट ही हैज़ टू गिव मेडिसिन टू हिज फादर इन एनी कंडीशन. उसने ये बोला कि मुझे अपने पापा के लिए ये मेडिसिन हर हालत में लेकर जानी ही हैं. ठीक है बच्चों, तो हमें इस इंस्टेंस से पता चलता है दैट रोमी वॉज केयरिंग इन नेचर. तो बच्चों यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल माई क्वेश्चन आंसर. एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन आंसर यू शुड गो दैट वीडियो इन विच आई एक्सप्लेन ऑल दिस चैप्टर. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.